अली भाई अगला सवाल है वीडियो गेम्स और स्नूकर क्लब से हासिल होने वाली कमाई हलाल होगी या हराम प्लीज़ वज़ात फरमाइएगा देखें जी किसी वालेक वरम किसी भी ख़ास चीज़ को हलालो हराम के बारे में तय करने के लिए चीज़ ज़रूरी है कि आप उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को देख लें कैटागोकली तो हम ये नहीं कह सकते कि वीडियो गेम खेलना या स्नूकर खेलना या लूडो खेलना ये हराम है जब तक कि उसके अंदर हराम की आमेजिश ना हो जाए मियाँ बीवी का इस दवाजी ताल्लुक़ कायम करना हलाल है लेकिन अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के बग़ैर है तो हराम है ताल्लुक़ एक ही है लेकिन नोयीत मुख्तलिफ होगी इस तरीके से वीडियो गेम्स अगर किसी जगह पर इस एतबार से हो रही हैं कि वह जुए की कैटेगरी में फॉल कर रही हैं तो फिर वो तो सर हराम है और उसकी निशानी यह है कि जो हारेगा पैसे देगा दूसरे के पैसे डूब गए हां अगर यह हो कि दोनों दोस्त मिल के इस्लामी भाई किसी जगह स्नूकर या वीडियो गेम खेलें, कोई जीते कोई हारे एंड रिजल्ट यह हो कि पैसे दोनों आधे आधे दें तो कुछ भी नहीं इसी तरीके से क्रिकेट में भी आजकल जुआ लगा हुआ है आजकल खैर काफी अरसे से है तो वो जुआ भी हराम ही होगा ये दो चीज़ें ना अल्लाह को बड़ी नापसंद हैं जी माशी कैटेगरी में जो चीज़ें फाल करती है। एक सूद और दूसरी जुआ सूद के बारे में सूरत और बकरा की आयत नंबर टू सेवेंटी नाइन में आया कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है अल्लाह और उसके रसूल की उसके खिलाफ जंग है जो सूद खाता है चाहे सूद बिर रजा हो या बिलजब्र हो जना बिलजब्र हो या बिर रजा जना को फी नफ्स ही अल्लाह ने हराम किया है सूद को भी फी नफ से ही अल्लाह ने हराम किया ताकि इस्तेसाली निजाम ना हो और जुए के बारे में सूरत मददा में अल्लाह ताला तो तरमाया कि जुआ शराब और ये जो जुए के लिए वो तीर चलाए जाते हैं पांच से सब के सब शैतानी अमाल हैं और पलीद चीजें हैं और फिर अल्लाह ने फरमाया धमकी दी एंड पे बाज आते हो नहीं जुए में क्या होता है जुए में ये होता है कि जो शख्स बेटर फैक्ट्स ऑफ लाइफ को फेस नहीं करना चाहता रातों रात अमीर होना चाहता है कि यार को मेहनत ना करनी पड़े बस लगाओ तो और सूदी जहनीत क्या है कि जो पैसा कमाया मेहनत से इसको फिर लगाओ और पैसे से पैसा कमाओ कारोबार तो मुश्किल है ना इसमें तो नुकसान भी हो सकता है सूद में तो नुकसान होता ही नहीं है क्योंकि आपने लेने ही लेना है तो ये दोनों के पीछे दुनिया और माल का फितना है और शराब और जुए को आप देखें कुरान में अल्लाह ने इकट्ठा जिक्र किया है शराब में भी यही है कि चलो मैं बिल्ली तो गायब नहीं कर सकता कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूँ नशे में आऊँ तो जनाब सारी तकलीफें दूर कहते हैं ना जनाब वो नशा किया तो सब कुछ दूर होगी तकलीफ हालांकि प्रैक्टिकली वहाँ पर मौजूद है ये भी शार्ट कट है तकलीफ दूर करने का जुआ भी शॉर्ट कट है अलबत् अगर जुए वाला मामला ना हो स्नूकर पे आप जाते हैं आप खेलें आधे आधे पैसे कर लें ठीक है इसी तरीके से ये जो टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं ना क्रिकेट के उसमें इब्तदाई फीस ली जाती है और वो नॉमिनल फीस मूम होती है और वो सबसे फीस ली जाती है ज़ाहिर है कि उस टूर्नामेंट के अखराज पूरे करने के लिए उसमें जो कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है तो एंड पे ज़ाहिर है जो जीतता है उसको इनाम मिलता है ट्रॉफी की शक्ल में या थोड़े बहुत पैसे मिल गए बाकी लोगों का कुछ भी नहीं मिलता तो ये न, उसको हम जुआ इसलिए नहीं कहेंगे कि वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं उनसे ली होती वो तो सिर्फ सर्विस चार्जेस लिए होते हैं हाँ उधर भी अगर लाखों रुपया लिया जाए और कहा जाए कि ये बारह टीमें हैं बारह लाख है जो जीतेगा उसे बारह लाख मिलेगा बाकियों का लाख लाख गया तो फिर वो भी जुआ हो जाएगा जिस तरह एक और फार्म जुए की लकी कमेटी है आपको पता है ना कमेटी डालना दुनिया में एक नेकी के कामों से एक काम है किसी गरीब बंदे के साथ और ये वही ये चीज़ है जिसे कर्ज हसना कहा गया कमेटी आप देखें कर्ज हसना होता है सूद के बगैर होता है ना दस बंदे मिलकर कमेटी डालते हैं पहली कमेटी जिस बंदे की निकली है दस दस हजार डाली थी तो लाख रुपया वो लेके चला गया दस हजार उसका अपना नब्बे हजार उसको आपने कर्जे हंसना दिया है जो वो आता आस्ता करके वापस करेगा तो कितनी देखी है उसके साथ अगर कर दो वापस थे। <laughs> वैसे दे, दे वैसे तो एंड तो पोजते पोजते कमेटी टुट जाती है कहते कमेटी टुट गई वैसे गवर्नमेंट इन्होंने हड्डी पसली त्रोड़े जो कमेटियाँ त्रोड़ हैं वैसे अगर एतबारे लोगों के साथ आप मामला करें ना तो कमेटी चलती रहती है कोई ऐसा लेकिन एक होती है लकी कमेटी जो दुनिया में तो लकी कमेटी है आखिरत में वो अजाब पे मबनी कमेटी है उसमें ये होता है कि एक बंदा लाखों रुपये अब उसमें कुरानदाजी तो नहीं हुई कि पहली किसकी दूसरी की कुरानदाजी तो सुनत है बुखारी मुस्लिम अदीस नबी इस्लाम जब सफर पर जाते थे अपनी बीवियों में कोरा डालते थे जिसके नाम निकलता था उसको साथ लेके जाते थे तो हर सफर में डिफरेंट बीवी आप इस्लाम के साथ होती थी तो दाजी कर करने की बजाय वो ये करते हैं कि लाख की कमेटी दस बंदों ने डाली ना एक बंदा खड़ा होकर कहता है जी मैं इस कमेटी को जो है ना वो नब्बे हजार में उठा लेता हूँ नब्बे हजार का मतलब ये है कि नब्बे हजार गोया कि मुझे नब्बे हजार ही मैं ले लेता हूँ ऊपर का जो दस हजार है ना वो तुम बाकी नौ बंदे आपस में तकसीम कर लो तो सर ये तो सूद है पैसे के जरिए पैसा है और यहाँ तो ये तो मैं आपको छोटा बता रहा हूँ लाखों की कमेटियाँ डलती हैं बड़े कारोबारी लोग जिनको फ़ौरन पैसे की जरूरत होती है तीस तीस चालीस चालीस लाख की कमेटी चालीस लाख की कमेटी डालते हैं पैंतीस लाख में उठाते हैं और वो जो पाँच लाख होता है ना वो बाकी लोग आपस में तकसीम कर लेते हैं बैठे बैठे अब उसूलन और वो निकली उसकी चालीस है लेता वो पैंतीस है पाँच वो छोड़ देता है बाकियों के लिए आराम खा लें तो इस तरह की लगी कमेटियाँ ये भी हराम है और ये उमन कारोबारी लोगों के हाँ राइज हैं और मैंने देखा है कारोबारी लोग तो बिल्कुल हलाल और हराम की तमीज़ बहुत कम लोग हैं जो कर रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि ये हम जो कुछ कर रहे हैं ना ये तो बस इसके बगैर तो कारोबार चल नहीं सकता और हमारे पास कोई जरिया भी नहीं है जितनी भी गेमें स्नोकर की शक्ल में लूडो की शक्ल में इनडोर हों आउटडोर हों जब तक इन पर जुआ ना लगे या हारने वाला पैसे दे और जीतने वाला ना दे ये वाले मामला ना हो तो वो हलाल होंगे जुआ लग गया तो वो हराम होगी फिर बाद लोग कहते हैं हम तफरी के लिए क्या करें तो तफरी करें ना मेरे भाई आधे आधे पैसे डाल के करें तफरी मिल के करें ना और कुरान ने तो आपको जो तफरी बताई है वो है सर उफिल अर्थ ज़मीन में घूमे फिरें जाए नॉर्दन एरियाज़ में चले जाएँ अपना टाइम गुजारें नेचर को करीब से देखें अल्लाह की कुदरतें देखें यह आपके और आज तो आपके पास एक और बहुत बड़ा जरिया है नेशनल जोग्राफिक चैनल है यूट्यूब पर जाएँ जाके देखें लोगों ने ज़िंदी लगाई हैं क्रोकोडाइल्स को समझने के लिए एलिफेंट्स को समझने के लिए इतने बड़े बड़े सेटेलाइट चैनल हैं जिनके ऊपर अल्लाह की कुदरत के वो वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपके बुजुर्गों को भी नहीं पता थी ठीक है तो वो आप उन चीज़ों से लर्न करें किताबें पढ़ें ज़िंदगी अल्लाह ने एक मकसद के लिए दी है उस मकसद को पूरा करें ये अजानें शुरू हो गई हैं बक् सवालत इनशा अजान के वक्फे के बाद इन